गाइस आज की वीडियो में खोलने वाले इस लॉक को बिना किसी चाबी की मदद से। तो ये रहा हमारा लॉक और जैसे देख सकते हैं आप लोग ये है इसका की। तो मैं दिखा दूं कि इसी का की है। तो ये देखो, ये जैसा कि आप लोग लॉक को देख सकते हो और इसकी की हमारे पास है, ये रही इसकी की। तो अब पहले मैं इसे लॉक को खोल कर दिखाता हूँ। ये लॉक बिल्कुल ख़राब नहीं है, ठीक है, ये देख लो लॉक बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसको खोलने वाले हैं एक पिन की मदद से। तो मैं इसको लॉक करूंगा और खोलूंगा और बताऊंगा कैसे आप खोल सकते हो। इसके भी रूल्स है, इसके भी नियम है कि किस तरह से खोलना है। और ये मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बीच में बताने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो मेन पार्ट नहीं आ पाएगा, तो आप बोलोगे कि वीडियो सही नहीं थी, अच्छी नहीं थी वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस देखो, ये रहा हमारा ताला। तो हम सिंपली करेंगे क्या कि इसको लॉक करने के बाद मैं इस सेफ्टी पिन को इस तरह से लूँगा। इसके मुंह जो जैसा मुंह वाले पार्ट को देख सकते हो, इसको मैं इसके अंदर डालकर इसे अनहुक करने की कोशिश करूंगा। तो मैं इसको यहां रख देता हूं। तो इसको खोलने से पहले इसे लॉक करना पड़ेगा, तो चलो इसको लॉक कर देते हैं। तो इसको मैं यहां लॉक कर देता हूं, देख लो अच्छी तरह से इसको लॉक कर देता हूँ। देख सकते हो आप लोग कि अच्छी तरह से बिल्कुल लॉक हो चुका है, अच्छी तरह से लॉक हो चुका है। तो अब हमें करना क्या है, हम इसे इस तरह से ज़मीन पर रख लेंगे या फिर ये ऐसे घर में लगा भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमें इसे खोलनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी इसको स्किप बिल्कुल मत करना। हम लेंगे एक सेफ्टी पिन को, इस तरह का पिन या फिर जितना बड़ा पिन हो उतना अच्छा है। तो इससे बड़ी भी पिन आती है, बड़े पिन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि ये जो पिन है हमारे पास, उसको आप लोग जो भी ताले को लोगे उसको देखोगे, जैसे ही उसके अंदर देखोगे इस पार्ट के अंदर, वहाँ पर एक होल होता है, सर्कल होल होता है। तो उसके अंदर अगर आप इसको घुसा सकते हो, ये पार्ट सर्कल पार्ट को घुसा देते हो और उसके बाद इसे बेंड करने की कोशिश करते हो 10 बार एंटी क्लॉकवाइज और 10 बार क्लॉकवाइज, तो ये टूट जाता है और खुल जाता है। तो ध्यान रखना कि ये पार्ट जब टूट जाएगा तो ये खुल जाएगा। तो ये सिर्फ इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हो आप लोग। इमरजेंसी इसलिए कर सकते हो क्योंकि मानिए बहुत इमरजेंसी है और आपको इसको खोलना बहुत ज़रूरी है, तो इसको यूज़ कर सकते हो। चलो एक बार मैं इसको खोल कर डेमो दिखाता हूँ आपको। ये रहा हमारा लॉक। तो अब हम इसको खोलने वाले, तो हमें इस पार्ट की ज़रूरत है, ठीक है। इस पार्ट को हम यूज़ करेंगे, देख लो इस तरह से, हमें इसको इस तरह से पकड़ कर हम इसके सर्कल माउथ को इसके सर्कल के अंदर घुसाएंगे अच्छी तरह से, जब तक ये अनहुक ना हो जाए और अच्छी तरह से अंदर फंस ना जाए। देखो ये फंस चुका है अंदर, रोटेट हो रहा है, इधर उधर रोटेट हो रहा है। अब हम काम करेंगे इसे जब तक इसका एंड ना हो जाए और ऐसा टाइम ना बचे कि अब ये और अनहुक ये लेफ्ट साइड ना हो, तब तक इसे अनहुक करते रहनी है, ठीक है। ठीक है, अब ये इतना अंदर घुस चुका है, देख सकते हो। अब बारी है हमें इसको राइट साइड घुमाने की। 2 3 4 और नहीं हो रहा, थोड़ा लेफ्ट, ठीक। इसको और इधर 10 कम से कम, 1 2 3 4 5 बस, यहाँ इसकी एंड आ गई, अब ये और नहीं मुड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 बस, देख सकते हो ये कैसे खुल चुका है। लेकिन इसमें बहुत रिस्क भी है गाइस, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हो कि अगर ये इसके अंदर टूट के, अगर इसका जो मुंह वाला पार्ट है अगर इसके अंदर टूट के फंस गया तो आपका लॉक हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इसको तोड़वाने में बहुत मेहनत लगेगी, तो इसको बहुत ही रिस्क करना, बहुत इमरजेंसी हो तभी इसको यूज़ करना। और ध्यान रखना कि ये जो गोल पार्ट है वो इसके गोल पार्ट के अंदर अच्छी तरह से घुस जाए, तभी आप एंटी क्लॉकवाइज तब तक घुमाओ जब तक ये घूम सकती है। उस वक्त खोल के राइट क्लॉकवाइज तब तक घुमाओ जब तक घूम सकती है, तब आपका लॉक पक्का खुल जाएगा। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पर हमारा लॉक खुल चुका है, ठीक है। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में।